नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश ताडकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं पिन इंसुलेटर के ऊपरी भाग पर तार को कसना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सातव। आज हम आपको बताना चाहता हूँ कि पिन इंसुलेटर पर तार कैसे बांधते हैं। ये तीन पिन इंसुलेटर बनाए हैं, ए बी सी डी। ये तीन स्टेप में हमने इसको किया है दर्शाने के लिए। तो पहली स्टेप से हमने दर्शाया है कि हमने 1.5 मीटर का वायर लिया है। ये 16 mm का वायर है तांबे का। इसे हम इसके इंसुलेटर की नेक पर 2 से 3 राउंड पर बांधते हैं और उसका एक सिरा इस साइड में और एक सिरा इस साइड में रखते हैं और दूसरा जो रहता है सिरा उसका भी एक साइड में एक इस साइड में और एक को इस साइड में लपेटते हैं और दूसरे को इस साइड में लपेटते हैं। ये हमने पहला बताया। और दूसरा बी, इसमें दोस्तों हमने एक सिरे को इस साइड में लपेटा है और दूसरे सिरे को इस साइड में लपेटा है। इसको हम 9 से 10 mm लपेटते हैं और इसमें जो दोस्तों गैप है वो गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसमें गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसमें एकदम पूरा एकदम कड़क हाथ को मजबूत करते हुए कसना चाहिए जो नेक पे। और दोस्तों हमने इससे भी बताया। और तीसरे से जो है हमने जो दो वायर सोचे थे हमने उसको इसके अपोजिट में इधर लपेटा है और इसको इस साइड में लपेटा है। दोस्तों इसको हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लपेटा गया है। इसको ये पिन इंसुलेटर है दोस्तों। इसको 11 kV से अधिक इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इस पर जो ये पोर्सिलिन का बना होता है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ये पोर्सिलिन का बना होता है और इस पर चिकनाट की एक परत लगाई जाती है जिसे वाटर की जो बरसात की बूंदे रहती है दोस्तों वो इस पर इसको नमी नहीं करती है, नीचे गिर जाता है पानी की वजह से। और इस पर एक ऐसे टर्नर लपेटे रहते हैं और ये थ्रेड है दोस्तों, थ्रेड ये इसमें टूट का थ्रेड रहा जिसे खंभे को अपने आसानी से इसमें कसा जा सकता है जिससे हिलता नहीं है, उस वजह से इसको थ्रेड बोलते हैं। हाँ दोस्तों, सो हमने समझा दिया। नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपके प्रैक्टिकल।